भगवान के नाम पे दे दो बाबा। क्यों सब्सिडी, आज क्या स्पेशल है? ए, मेरी शादी हो रही है, यही स्पेशल है, सब छील दो। मुझसे पूछता है क्या स्पेशल है? Hi, does anyone speak English over here? No, English. Hindi. ये क्या हो रहा है? हट, हमेशा काका की कुकू करते रहते हैं। चल भाग। Welcome. Namaste. हाँ, no tension. I'm self service. Subsidy समाना। समाना? Oh, नहीं समझी ना? You call subsidy. 50 paise in bank. Gentleman in rank. All area, full okay. manager, गाय भैंस सांड का manager, चापाकल हो, bank loan हो, all rural problem in India, lawyer हूँ मैं. Lawyers? Name? My name is Basikila Leon. Ashoka Leland, sorry. औरत लोग भी ऐसा नाम रखती हैं. What work you here? I'm from Global Genetics. I know visiting card. Job. I need to see some cattle of this place. Cat? Mew, mew. No, not cats. What? Okay, wait. See, cattle, cow, bulls. You want bull? Yeah. Right time. Sankranti ka tyohar hai. Isliye gaay, bachda, sand washing, decoration, flowers, pupils. Today in Nandi Gutta. Hey, bhago. Jao. Aana mat dobara. He is 23. Cowboy. All right. Haan, iska naam Krishna hai. End of the all department. Old Dana Kanayu. Amba. He is. नमस्ते। ये यहाँ क्यों आई है? मैं बताता हूँ, इस संक्रांति के त्योहार में गाय का भैंस का ब्लड लेने आई है। किसका? हमारा? Okay, अरे हमारा तो सरकार पहले ही चूस चुकी है, गाय भैंस सांड का। उसका खून लेकर क्या करेगी ये? चावल में मिलाकर खाएगी। अबे पागल, ब्लड बैंक शुरू करने वाली है। अच्छा, ये त्योहार के लिए पैसे वैसे देकर जाएगी या खाली हाथ दिखा कर जाएगी? पैसे कैसे नहीं देगी, हम कहेंगे तो बिस्तर पे भी सोएगी। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? बेवकूफ कहेंगे। हेलो अशोक लीलैंड, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, ही इज ओके, ब्लड वन ब्लड, गिव छुट्टा पैसा। मनी 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 मनी, वन ब्लड 500 रुपए। ओके, आई विल गिव हिम। गिव? आई विल, श्योर। चल, सभी किसानों, खेती करने वालों, दारू पीने वालों, मेरे बंधु बांधव लोग, तुम लोग अपने गाय भैंस सांड का खून दोगे तो उसके लिए पैसा मिलेगा। पैसा स्टार्ट इमीडिएटली। दोस्तों, सोचने की जरूरत नहीं है, खून लेंगे, 500 रुपए देंगे। रामना रामना रामना। प्लीज टेक दिस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ओके, Let's take some pictures. ये देखो, जरा ऊपर उठाओ। Okay. हाँ, ऊपर करो। ये ठीक है ना? Now let's see some bulls. All our local bull, खिलाड़ी गांव का,
लोकल परफेक्ट ओह हे इट्स टू हॉट हियर लेट्स गो एंड चेंज महेश हाय वो शंकर ओ वाओ ही लुक्स अमेजिंग Who is he? Oh, Shankara, Lord Shiva, sitting on Nandi motorbike. Only one Dichi. Pura allowed. Hey, no. No near going, no. Okay. Nothing. Do sing inside Dhamal. Okay. Can you call someone to hold him? One. No, 10. Oh. Why? The sound specialist, black controller, Dr. Docomo. Oh, can you please call him? Call waiting. Yes. Call waiting. Waiting yes. call. Yeah. Dr. Docomo. Chalo, kapde change kar raha hai. Complete. Direct, Dr. Docomo. Docomo? What a name. Original Camp Raju. Camp red. Baap dambar hai. Beta full black. Confuse mat ho. Mobile Docomo. Is he really a doctor? A for Appa. मैं हूँ सन जॉइंट फैमिली 2400 घंटा पशु का ख्याल रखने वाला डॉक्टर डोकोमो ऑफिस डे टाइम गाय भैंस सांड ऑल टेकिंग बेल बुल घास ईटिंग टिफिन एंड वापस कम बैक ऑल मिक्सिंग मतलब दो पार्टियों को मिलाने का व्हाट लेन देन सांड इज नॉट रेडी मिशन इम्पॉसिबल इज देयर ए टेक्निकल प्रॉब्लम यू टेक 1 2 3 इज अ बिग लेंथ डबल 500 ओके आई विल क्या खून तुम चोपड़ा होना डबल 500 देगी अरे 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 उठ जा अरे अरे गियर बॉक्स प्योर ब्लड कम ओ सामने जब आइटम होती है ना तो बड़े से बड़ा दर्द झेल लेता है आशिक तुम निकाल लो और सीधा साधा है रेडी लेडी स्माइल बाय अरे हमारी जोब मोड़ ली कितने नींद खराब कर दिया आई गो रास्ते में इस तरह कोई सोता है क्या ओ जोमी तू कब आई सोकर बात करते हैं नहीं 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 मेरा मतलब है कि बैठ के बात करते हैं टाउन में जाकर नया चप्पल खरीद कर उससे मारूंगी तुम्हें अरे रे 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 खूब लगा फूंक मार के हवा दूं क्या तुझे क्या लेना देना है चुपचाप जा यहां से अरे रे जुम्मे अरे रे 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 हिल मत रुक अरे कुछ नहीं होगा अरे तुम रुक जाओ तुम्हारा पैर ठीक करता हूँ रुक जाओ यार अरे रुको तो अरे अरे हम देखो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप बैठो नहीं तो दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा ओम भगभुगे भगमासे भगनी भागो हरि ओम फट स्वाहा स्वाहा अरे क्या देख रही हो अरे बड़े बड़े सांडों के टूटे हुए पैर हम ठीक कर देते हैं तुम्हारा तो छोटा मोटा दर्द है और वैसे भी तुम्हारे शरीर में और कहीं दर्द होगा तो बता दो सभी दर्दों का इलाज है मेरे पास इस मामले में मैं स्पेशलिस्ट हूँ डॉक्टर डोकोमो बड़े देखे तेरे जैसे आया बड़ा डॉक्टर
काय सोते हैं? अपना काम कर। अरे बिना फीस दिए जाओगी क्या? तुम्हारा पैर ठीक किया है मैंने, ये देखो इसके आगे और पीछे साइन करके जाओ। क्या है ये? वो क्या है कि इतने साल के बाद भी तेरे और मेरे बीच में करंट पास नहीं हो रहा है, तो केबल वाले को एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं, समझ रहे ना? ए, ये तो किसी बैंक के सिक्योरिटी का पेपर लग रहा है। हाँ ये वही है। अरे तेरे पास जो 2 एकड़ खेती है ना, अरे उसी में तेरे नाम से ही डेयरी फार्म ओपन करना चाहता हूँ मैं। और वैसे भी शादी के बाद हम दोनों वही रहेंगे ना। तुझे डेयरी बनाने के लिए मेरी जगह मिली थी क्या? अच्छा जुमी, और किसके पास जाऊँ मैं? पूरे गांव में तुम्हारे अलावा मुझे और कोई लड़की नहीं नजर आती। अरे अरे ये पेपर तो यहीं रह गया। अरे सुनो, इस पे साइन तो करके जाओ, अपने प्यार के लिए तो साइन कर दो। प्यार? हाँ? एक बार फिर बोल तो। क्या जुमी तो ऐसी बात करती है? क्या क्या किया है बता जरा। ठीक है, तू नहीं मानी तो मैं कैसे करूंगा? हाँ तू बोल के तो देख, बस 2 ही मिनट लगेगा, करके दिखाता हूँ। ये सब बकवास करना छोड़ दे। हाँ छोड़ दिया, तेरा श्योरिटी नहीं चाहिए। एक काम करेगी क्या? क्या? जुमी, भगवान की कसम मेरी बॉडी में अजीब सी फीलिंग हो रही है। इसका एक ही इलाज है, हम तेरी गाड़ी में शहर में जाते हैं और सेकंड शो देखकर आते हैं, तभी कुछ हो सकता है जुमी। सेकंड शो? कोने की सीट पकड़ूंगा। सीट नहीं मिली तो कोने में खड़ा रहकर सिनेमा देख के घर आऊं। ठीक है चलो आती हूँ। तो ठीक है, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ। मगर एक और टिकट चाहिए। तेरे दादी के लिए ना? नहीं, चेयरमैन को भी बुला दे। कौन है ये चेयरमैन? हाँ कौन है चेयरमैन? ऐसे टमाटर से उसे मारूंगा तो छत पर जाकर गिरेगा वो। यहाँ पे मारूंगा, यहाँ 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 पे मारूंगा उसे, यहाँ पर ऐसे मारूंगा ऐसे गिर जाएगा वो। यहाँ पे मारूंगा उसे, यहाँ पे। ए, कौन है रे जो जुमी की ससुर की तरह चिल्ला रहा है? तुझा बाप। अरे बापू। अरे तू डब्बा लेकर आने वाला था, उधर क्या कर रहा है? अरे आजकल की लड़कियों को बैलगाड़ी चलाने नहीं आती, स्कूटर चला रही है। देखो ये गाड़ी चला रही थी, गिर गई इसलिए मैंने इसे बचा लिया। कौन है वो? अरे वो चेयरमैन है ना। उसके बाप को हमारे बाप ने मारा था, तुझे याद नहीं क्या नालायक? हाँ एकदम सही। तुम यहाँ मत रुको वरना तुम्हारी हालत दिखा। अरे वो तेरे साथ ज्यादा बात करेगी तो मैं उसको काट डालूंगा, बोल दे उसको। बराबर बापू, बराबर, बिल्कुल। बस बंद कर, जा जल्दी से डब्बा लेकर आ। संभल कर रहना वरना मार खाएगा। अरे कहाँ ढूंढू उसे, कहाँ ढूंढू? ये रहा। हाँ अरे रे रे रे, ऐसे क्यों खींच रहे हो उसे? अभी तो ठीक करा के लाई हूँ। अरे 20 ग्राम ज्यादा डाला है ऐसा बोल रहा था वो सुनार। बस कर और जाके अपने बाप को बुला। वो टेंशन में है, कैसे बुलाऊं? वो गाय पालने वाले अगर इस गांव में रहेंगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है? टूटा हुआ मंगलसूत्र बनवा कर लेकर आई हूँ, मुहूर्त के लिए अभी 3 मिनट बाकी है, बांधो। लाओ इधर। कौन है, कहाँ है वो? कहाँ देख रहे हो? किसे पहनाना है ये? दूसरा कौन होगा यहाँ? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, ये मंगलसूत्र मुझे ही पहनाना है। अरे इसे तो तुम खुद भी पहन सकती हो। ए तू इधर आ, क्या हुआ बोल? मंगलसूत्र का टूटना अपशकुन होता है, शास्त्र के हिसाब से उसको रिपेयर कराया गया है और शास्त्र के हिसाब से उसे आपको ही बांधना होगा। अब सुहाग रात भी मनाना पड़ेगा क्या? ए तू चुप कर, हफ्ते में 3-4 बार सुहागरात मनाने बाहर जाते हो और साथ में उस रामू को भी ले जाते हो, मुझे कुछ पता नहीं है क्या? तुम चुप रहो, इतना बड़ा बेटा हो गया है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब ये सब बंद करना होगा तुम्हें, समझे क्या? चलो चुपचाप ये पहनो और ये लो मुझे भी पहनाओ। अरे ये प्रोग्राम तुम कल नहीं कर सकते क्या? हाँ, ये मुहूर्त 8 साल में एक बार आता है, सही कह रही हूँ ना पंडित जी? क्या ये सब भी चक्कर है पता नहीं, दूसरी बार मंगलसूत्र बांधने का ऐसा मुहूर्त किसी की लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या सही बोला? अरे तू चुप करना, तू बोलना जल्दी, बोल क्या बोल रहा था, अब बोलेगा भी क्या बोल रहा था? बांधो ना। बिल्कुल करेक्ट बोला तूने। हाँ। गांव पूरा सूख गया है, वो त्योहार मना रहा है ऐसा बोला भाई। बोलने दो, इतना ही बोलता तो मैं छोड़ देता भाई, लेकिन वो आपका नालायक, बेवकूफ, कमीना, गुंडा आपकी माँ बहन तक पहुँच गया भाई। इतना ही नहीं, माँ को भी गाली दी उसने। क्या बोला ये? मुझे देख कर वो वो आइटम बोला। वैसे ठीक ही बोला ये। ऐसी बात नहीं है भाई, वहाँ पे तो दुकान पे भाभी से सीना फुला के खड़ा था। ए, तू चुप रह भाई। हाँ। आपको और भाभी को बोलता तो मैं छोड़ भी देता। हाँ। लेकिन आपके बेटे, आपके वारिस का एक नाम भी रखा है उसने। हाँ। भाई सिपाही रामू। हाँ। ब्रैकेट में बुलेट। एक तरह से ये भी ठीक ही है। इस तरह करने से नहीं चलेगा, कल कोई मुंह पर थूक कर चला जाएगा, वो लोग गांव से नहीं जाएंगे, तुम्हें ही भगा देंगे इस गांव से। बिल्कुल सही बोला भाभी आपने, यही होगा। आपके पिता को? क्या? हाँ आपके पिता को। हाँ मेरा पिता मर गया, आगे बोलो। वो जानवर पालने वाला अपना सांड छोड़कर तुम्हारे पिता की जान ले ली, तो तुम्हें भगाने में कितनी देर लगेगी उसे? शुक्रवार के दिन आपका मंगलसूत्र टूट गया था, उसी दिन तुम्हारे पिताजी की तिथि थी, कल बहुत अच्छा दिन है, उन्हें गाँव से बाहर निकाल दो।
हाँ भाई, उस डोकोमो को फोन कर। चल, फोन तो बज रहा है भाई, उठाएगा अभी। ये लो भाई। हाँ, हेलो। ये गाना चाहते हो तो नौ दबाइए। मुझे नींद ना आए। क्या बोल रहा भाई? अगर ये नहीं चाहते हो तो आठ दबाइए। अगर हमारा गाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप ही गाना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मरने वाले हो तो हमारे ऑफिस में आकर इंश्योरेंस निकालिए। सुन, दिन में सुंदर लड़कियां फोन करती है तुझे, आयला तेरी तो अभी रात में बुड्ढा फोन कर रहा है, समझ में नहीं आ रही। कुछ बोला क्या भाई? नहीं नहीं, जनरली बात किया बस उससे। अच्छा, ये लो। उसकी पूरी फैमिली को उठा कर लेके आओ, अभी कभी लेके आओ। हो गया क्या तेरा? चलो हाँ। जाओ यहाँ से। चलो खाना खाने, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। कैसा है रे बाड़ा? अरे मैं तो ठीक हूँ आजी, बस इस बैल को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे काय झाला रे? वो संक्रांति के दिन इसको नजर लग गई थी, पता नहीं तब से इसको क्या हो गया है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। अरे आजी, आधे घंटे के लिए तुम तुम्हारी गाय को इसके पास छोड़ दोगी ना? तो इसकी तबीयत सही हो जाएगी। इसके ऊपर मक्खी भी बैठती है तो ये चुप नहीं रहती, सिर्फ उस चूमी की बात मानती है बस। वो तो बड़ी महारानी है, कहाँ है वो? अरे आज जाओ ना, को मर्डर हो जाएगा तेरा। क्या बोल रही हो? वो नहा रही है बाड़ा। ए, 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 अरे ठीक से नहा लिया ना जुमी? बाहर जाता है या आंखें नोच लूं तेरी? कौन से साबुन से नहाती हूँ जो इतनी सुंदर खुशबू आती है? तू जाता है या लात मार मार के निकालू? मैं एक सेल्फी लूं क्या? ठीक है, आ, आ जा। अगर लड़के नहाते हो और लड़कियां देख ले तो चलता है, अगर मैंने देख लिया तो। अरे बाप रे, अरे जुमी, अरे आइकना, निगाह मिटो। अरे जुमी, अरे अरे एक मिनट रुक, क्या कर रही है? अरे लग जाएगी। अरे 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 छोड़ से नीचे रख, कुछ शर्म लाज है कि नहीं तुझे? जा पहले कपड़े पहन कर आ, जा अंदर। क्यों आई हो दादी? अरे कुछ नहीं बाड़ा। हाँ। मेरी पोती ने पुलिस के काम के लिए आवेदन दिया है। हाँ। तो उस पे गांव के चेयरमैन की सही चाहिए थी। ले बाड़ा, सही कर दे। हाँ। हमारे गांव की लड़की को सपोर्ट नहीं करूंगा तो और किसको करूंगा? ए पेंदे, पूरा खानदान तो अंगूठा छाप है, पेन क्यों चाहिए तुम्हें? उस बैंक मैनेजर के पास होगी, जाकर खुद ही ले लो। पेन चाहिए? इसको क्या हुआ? अरे पेन भी नहीं है क्या? ये रहा, रेड ब्लू ब्लैक और एक रंग भूल गया। सबके सब आ गए, इनको यहाँ रहने दो या भगा दो। ए चलो भागो, भागो, भागो यहाँ से, चलो भागो। ये चल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोला हूँ, ए यहाँ आओ, सुनाई नहीं देता, कहाँ बुला रहे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, आओ। वहाँ पर नहीं साहब, वहाँ पर नहीं, घुमाइए घुमाइए, मैं बताता हूँ कहाँ करना है, यहाँ पर। हाँ, लो इसे छुपा लो। अब तुम आ गया हो। तो क्यों खांसा बे? तू तो किससे पूछकर खांसा मेरे सामने? तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर आकर मेरे सामने खांसेगा? अरे इसके गले में थोड़ी खिचखिच है। क्या वो विक्स लेके नहीं आया ना वो? हाँ, अरे मैटर क्या है बोलो ना। वो क्या है कि हमें बहुत सारे काम है, उधर भी जाना है ना। अच्छा तो बता मेरे को क्या काम है तेरे को बे? पीठ पीछे गाली देना, मैं कमीना हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं कमीना हूँ, कमीना लगता हूँ मैं तुझे? हैं, बोल, मैं कमीना लगता हूँ? बेवकूफ है आप, कमीने हैं, ऐसा क्यों बोला बे? मैंने कब कहा, कैसी बातें कर रहा है तू? भाई हमारी फैमिली के लोग ऐसी बात नहीं करते। किसने कहा मुझे बताइए? छोड़ूंगा नहीं उसे, काट डालूंगा उसको। बाबा शांति शांति। तू नहीं बोला है ना ये? तो इसने बोला? तूने नहीं बोला, इसने नहीं बोला, फिर किसने बोला? ऐसा नहीं कहा है भाई, मिलेगा तो लात मारेगा ऐसा कहा था। ऐसे 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 मारेगा कहा था। अब बोलो क्या बोलोगे तुम लोग? अभी भाई सामने है, मारना हिम्मत है तो। आजा आजा, तू मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मार, चल मार, मार मुझे, मार, आजा मार। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं? कैरम कैसे खेलते हैं वो मैं बोल रहा था, वो बात इसके समझ भी नहीं आई, ये मराठी नहीं जानती ना। मुझे सिखाएगा? पूछो ये मराठी जानती है या नहीं।
अरे उसके बाप को नहीं छोड़ा था तो फिर ये क्या चीज है, ऐसा कहा था। अरे 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 वहाँ तक गया। हमारे सांड ने उसे मारा था ना संक्रांति के दिन, जब वो गुस्से में भाग रहा था इसके पिताजी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसने घबरा कर उन्हें धक्का दे दिया, एक सिंह अंदर घुस गया एक सिंह बाहर रह गया। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे आज की बात कर, उस दिन की नहीं आज की बात कर। वो क्या है कि मैं क्या बोलने वाला था। ए तो रोकना मत, बोलता रहा कुछ भी बोल। देखिए मरा है आपका बाप, ठोका है मेरा सांड, दोनों भी बचे नहीं। हम दोनों की सेम कहानी है भाई, हम जानवरों की देखभाल करते हैं आप इंसानों की देखभाल करते हैं। आप किस बेवकूफ लड़की की बातों पे विश्वास कर रहे हो? ऐसा है क्या? तो फिर हम दोनों तो एक ही खानदान के हुए। चल आजा गले मिल, आजा गले मिल। अरे आ गले लग जा, आ ना। ए ए पीछे 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 हट। अरे किसके गले मिल रहा है, तू पागल हो गया है क्या? देखो फालतू बातों की जरूरत नहीं है, मीटिंग कंटिन्यू करो। ईमानदारी से बोलता हूँ गाँव छोड़कर चले जाओ। गाँव छोड़कर चले जाओ तुम? मेरे बाप को मारा है ये साबित होगा तो पंचायत में जो वादा किया था वो वादा निभाओगे तुम? चले जाओ यहाँ से, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। मिस्टेक हमारी नहीं है, आसमान की है, दो बूंद बारिश तो होने दो। बहुत हो गया। अरे भाई फैमिली का कर्जा है, सब्सिडी आते ही सब क्लियर करके मैं अपनी चप्पल से खुद मार मार कर कुत्ते की तरह भगाऊंगा इन्हें। भाई क्या कहते हो? तो फिर तुम कहोगे रहो तो रहूंगा, कहोगे जाओ तो जाऊंगा। पहन दो। पापा इन कमीनों के गांव छोड़ने तक मैं अपनी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। तू चुप रहे, बीच में मत बोल। देखो मेरी बातों पर यकीन मत करना वरना दाढ़ी इतनी बढ़ जाएगी कि या तो रोड साफ करेगी या फिर तू सन्यासी बन जाएगा। ए क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग मेरा? अब तुम लोग यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकते, ये गांव छोड़कर निकल जाओ, निकल जाओ। अरे चुप रहो ना भाई, एक ही बात कितनी बार बोलोगे? अगर मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? आइडिया के लिए पूछ रहा था। आप क्या बोलेंगे आप? ए, खासो मत, खासो मत। कॉफी पिलाकर भेजता हूं इसे। ये ले, नया है, दो दिन पहले खरीदा है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। ले पकड़ पकड़ इसको, देख देख यहाँ दबाना, यहाँ दबाना, दबा, चल मार मार मार, चल मार 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 मेरे को, मार मार। लाठी पकड़ने वाले हाथ में बंदूक, ये बात तेरे बेटे को बोल, जाके बोल उसको। नहीं तो इस नली को यहाँ पर लगाना, ऐसे ऐसे लगा के फुल फैमिली को मारना होगा। हाँ साउंड साउंड बाहर नहीं आएगा। ठीक है भाई, जिस दिन आपके घर में पूजा होगी मेरी पूरी फैमिली आपके घर में खाना खाएगी और चली जाएगी। ये बात फिक्स है? फिक्स है भाई। चलो निकल यहाँ से, निकल। भाई हाँ, 100 रुपया खर्चे के लिए दो ना। नको नको राव दे। ए आइकले ना, पूरे गांव में मैंने बता दिया है कि मेरे सांड का जन्मदिन है और तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। पहले तू सांड को छोड़ और जाकर जल्दी से खाना लेकर आ, टाइम हो रहा है। अरे बाबा पहले कपड़े नंतर पेट। तू जाकर लेकर आ, भूख लगी है मुझे। तूने अपने डोकोमो की शादी टाइम पर करवा दी होती तो टाइम पर खाना मिल जाता, दाल मिल जाती, अचार सब कुछ मिल जाता। तेरी शादी करवाई थी ना, तूने क्या किया, बीवी छोड़कर चली गई ना? छोड़ के कहाँ गई है, वो तमिलनाडु में मुर्गी फार्म चला रही है, मैं यहाँ पर गाय पाल रहा हूँ, दोनों का सेम टू सेम। पति पत्नी अलग अलग रहते हैं तो उसे संसार कहते हैं क्या? जॉब करने वाले पति पत्नी ऐसे ही होते हैं, वो वहाँ ये यहाँ, फोन लव है हाँ, नहीं तो डाइवर्स हो जाता। ऐसा कैसे चलेगा? कैसे नहीं चलेगा, ढोको में डेली करता है ना, मैं सुपरवाइजर वो MD, सब सिस्टमैटिक। तू गलत तरीके से बात मत कर, पहले उसकी शादी करवा, उसकी उम्र बढ़ रही है कि नहीं? उसके लिए लड़की तो मिलनी चाहिए। ए लड़की उसने देख ली है। कौन है वो? जुमका, अपने रुद्रा की बेटी। सुबह सुबह घेत लिया क्या है? वो लड़की इस नालायक से शादी करेगी? यही तो है पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स। वो जुमका जो है चेयरमैन की रिश्ते में बहन लगती है, हमारे डोकोमो ने उसे पटाने के लिए बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, अगर उनकी शादी करवा दें तो चेयरमैन अपना रिश्तेदार बन जाएगा, तभी गांव छोड़कर जाने का फैसला बदल जाएगा, गांव छोड़ेगा या उसे शादी करवाएगा, जल्दी बोल। ये जुमी का घर। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओ ओ होल्ड।
ए स्टॉप, जब तक अंदर बातचीत चलेगी नो साउंड नो आवाज। जब ए तुम आगे निकलो जाओ। ए सुनो, इस प्लेट को साबुन से धोकर इसमें एक डजन केला कुछ फल रखकर इस बूढ़े की जेब में सुपारी है इसे भी रख दो, समझे? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपमान होता इतने है। इतने सारे आइटम लेने के लिए मैं वापस जाऊं? लगाऊं तुझे अभी एक लात? सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? ए सुनो, कुत्ते की नजर, सियार की नजर, कौवे की नजर, उल्लू की नजर, आंटी की नजर, लोगों की नजर, पूरे लोगों की नजर। ए थूक दे, थूक दे। अरे थांबा। क्यों? अरे रे 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 रे, शुभ कार्य करने जा रहे हैं और ये बीच पे पड़ा है, क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, चुरा रहा है क्या? बात नहीं है बापू। हाँ? ये सुनो, ये सब लो और जाकर कहीं दूर फेंक के आओ। इसी से मारेगी क्या वो तुझे? अरे भाई हमें सेफ्टी भी तो चाहिए ना। चले अंदर। नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं घुसना है, दरवाजा खुलवा कर कानूनी तरीके से। इसके लिए पहले दरवाजा बंद करवाना होगा। अब आवाज लगाओ। देवा माँ, ये देखो साइड में बेल लगा हुआ है, मैं इसे दबाऊं क्या? पहले नहीं बता सकता था क्या? दबा। क्या कर दिया तूने? अरे कमरे खराब कर दिए, बंद कर, जल्दी बंद कर। समझ में नहीं आता। अरे अरे अरे, अरे ये क्या कर रहा है पागल? अरे इसको साथ में क्यों लेके आए हम लोग? बेवकूफ कहीं का। काय चल रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे नागराजा, माजा सोना। नागराजा कौन है? पकड़ो पकड़ो उसे, संभालो संभालो, ले जाओ जल्दी कर, एक ग्लास पानी लेकर आओ। मोटर क्यों ऑन किया है? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। देवा माँ, क्या करूं दीदी, दादी बेहोश हो गई ना, इसे पानी ले रहा हूँ। क्या दादी? दादी, दादी, हट, हट यहाँ से। दादी, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, हमें देखकर बेहोश हो गई। दादी, उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो। क्या? मेरी कोई तबीयत थोड़ी ही खराब हुई है? इसकी हरकतें देखकर मुझे मेरे मरे हुए बेटे की याद आ गई। नागा मामा को मर के जमाना हो गया है, तुम अभी तक भूली नहीं हो उसे? हद है। इस खुशी के मौके पर एक अच्छी सी साड़ी पहनकर आलू के पकोड़े, थोड़ा सा उपमा और गुड़ चना बना दो, कुछ बात करनी है। हाँ दादी माँ, ये साड़ी उतार कर एक नई साड़ी पहन लो, एक शुभ कार्य की बात करनी है। लाल रंग या फिर हरा रंग? वो जो कपूर रखी हुई साड़ी है ना, जिसमें से खुशबू आती है, वो पहन के आओ। ठीक है बेटा, बैठ ना, बैठ बैठ। अजय, अजय कहाँ जा रही हो? ये लो पानी। कितनी देर पहले कहा था और अब लेकर आ रहा है तू? जरा इसे पकड़ना, थाली कहाँ पर है? तुम इसे पकड़ो, दे दो दे दो दे दो। क्या है ये सर, बताओगे? डोकोमो ने कहा कि इसे तुमसे लव हो गया है, तो बूढ़े ने कहा कि तुम्हारी शादी इसी से करवाएंगे, इसलिए लड़की देखने के लिए आए हैं। यही रिवाज है ना, लड़के वाले आते हैं। किसने कहा प्यार हुआ है? और कौन बताएगा, सारे गाँव में बात हो रही है। सच है ना? सच है, हमारा प्यार बॉर्डर तक पहुँच गया है। क्या कहा प्यार? स्कूटर से मुझे गिराते हो, हाथ पकड़ते हो, यही प्यार है क्या? अरे तेरी औकात ही क्या है? हाँ ए दूर जा, दूर। देखो बेटी, मेरे बेटे में योग योग्यता सब कुछ आ जाएगा, बस तुम हाँ कर दो। हाँ? इस गधे को कौन हकाएगा? कुछ कमाता है क्या ये? ए याओ, चावल दाल का भाव भी पता है कैसे? पूछो, रिश्ता लेकर आयो ना। ले 100 रुपए, नहीं नहीं 10 रुपए भी जेब में हो तो दिखा। अबे क्या नालायकों की तरह बार बार लूंगी उठाता, चल नीचे कर लूंगी। क्या कहा तुमने अभी? तुमने क्या कहा? तुम इसे समझती क्या हो? गांव में सबसे पहले मोबाइल लेकर कौन आया? अरे छोड़ दो भाई, वो सब जाने दो यार। अरे क्या छोड़ूं, क्या चुप रहूं? इसे पता चलना चाहिए वो क्या करते हैं। वो सिम कार्ड करके 10,000 कमीशन कमाया, इसीलिए गांव वाला कहते हैं डोकोमो। हाँ, और उसके अलावा मोबाइल से ईमेल करना, नीचे करना, ऊपर करना, मेल करना, और वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप, कड़ी पत्ता, सोप, सब पता है। इंटरनेट डाउनलोड, यूट्यूब, सब में होशियार है ये। हाँ हाँ, ये तो बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी हार्डवेयर है, बाद में सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, पता है, पता है। सब्सिडी में डेयरी सैंक्शन हो गई ना,
तो 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम पर रखेगा। इतना होशियार है डोकोमो? डेली करना है। डेरी बोल बे। डेरी बनने के बाद गांव की सारी समस्या ठीक हो जाएगी ना? तू ही गांव को ठीक करेगा। आया बड़ा महात्मा गांधी। अरे गांधी जी लाठी पकड़ के देश विदेश सारा घूम कर आ गए और वही लाठी पकड़ कर हम गाय भैंस चरा रहे, तो हमको कम मत समझो, हम भी बहुत बड़े लोग हैं। हाँ बता दे रहा हूँ तुमको, गाय पालने के लिए तुम्हारे पास बड़ा दिमाग है। तुम कभी मेरे जैसे बन सकते हो क्या? क्यों नहीं, हमारे पास एक सांड है और उसको संभालना इसका स्पेशल काम है। गंदा सांड इसके लिए ठीक है। किसने कहा वो गंदा सांड है? वो बब्बर शेर है। हाँ, तो सर पर बिठा कर नाचो। हम तो अपना मैच हार गए। अरे मैं तो खेलने से पहले ही बोला था। माता जी, क्या एंट्री है आपकी, क्या समय पर आ रही है। आइए आइए आइए। दादी तुम क्या कर रही हो? जरा गप बस, इतने बस, थोड़ा रेस्ट कर लो। आजी, आपकी पोती अभी नादान है, उसे समझ नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आप उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। हाँ ठीक है, दे दिया। दादी, फिक्स हो गया। ए, बैंड सेट ऑन करो। ए, दोनों साथ में खड़े हो जा, फोटो खींचो, फोटो खींचो। अब जरा इसे पकड़ो। अरे मैंने कहा ना पकड़ो, पकड़ो इसे। ए पकड़ो इसे। साउंड ऑफ। ए अपने पैर पर खड़े रहकर 10 रुपए कमा कर दिखाओ, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। मतलब तुम्हारे लिए इंसान जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाऊंगा और यही खड़ा होकर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालूंगा। ए, ए डोकोमो, अरे मैच ड्रॉ हो गया। वैसे ही इतना आसान नहीं है। चलो, और चलो, एक मैच खेलते हैं। अरे बड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। डेरी झूठ है, डेरी झूठ है, सांड भी झूठ है, जानवर पाल के तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे इसी बात की गाली पड़ी है। ए, नीचे उतर, नीचे उतर। ए, ए सुनो, इधर आओ। क्या चाहिए जल्दी बोल। ए तू चुप कर। ए मुझे भी एक बोतल दे। ये बुढ़ी आज ऐसे क्यों पी रही है ये मत सोचो, मुझे अस्थमा है इसलिए डॉक्टर ने पीने के लिए बोला है। ए, तुम लोग कब से तमाशा क्या कर रहे हो रे? हम है ना पीने वाले, नेशनल बेवड़ा एसोसिएशन के मेंबर हैं। सारी शराब लेकर आ, मेरा दिल टूट गया है। अरे ज्यादा मत पी बेटा, उसका बाप पी पी कर मरा है, उसे शराब पीने वालों से नफरत है। अरे कौन कहता है मैं पिया हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मैंने दारू नहीं पी, तूने पी गया। गलती हो गई भाई। ए इधर नहीं, इधर। अरे दारू पी ना तो बहुत बुरी बात है, खूब सुखी से है। अरे लीवर खराब नहीं करना है, औरत का और दारू का कोई संबंध नहीं है। हा? चलो मेरे साथ चलो, मैं नहीं दारू पिया हूँ। ये चल बस तिकड़े। बाबा आपसे कुछ बात पूछनी थी। क्या है? बैंक मैनेजर हम दोनों मर भी जाए ना तो भी लोन नहीं देने वाला, और वो हमें डेयरी खोलना ही है तो हमें खुद का ही कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। ये गांव वालों की गाय पालने से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद के बारे में सोचना पड़ेगा बाबा। वो कैसे? तो मैं बताता हूँ, ये सांड खरीदने वाले कस्टमर को मैं लाया हूँ, वो जो अपना सांड है ना बाबा, वो थोड़ा कमजोर हो गया है ना। मैंने एडवांस भी लिया है। वो अब बूढ़ा हो गया, कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? डबल बुढ़ा। ये टकले चलने की। ए तुम्हें पर निगाह रे, चलो निकलो। ए, 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 चल हिम्मत है तो छू कर दिखा। इस सांड को कभी खड़ा होते नहीं देखा, अगर हिम्मत है तो ये खड़ा हो जाए। उठ राजा, उठ जा, उठ जा। सही है, सही है। हाँ देख लेना लायक, खड़ा हो गया ना। खड़ा हुआ तो क्या हुआ, परफ्यूम मर्दानगी कहाँ है? अरे अभी तो इसकी जवानी शुरू हुई है, थोड़े दिन रुक जा फिर मैं बताऊंगा। गांव के 7 लोग इसकी माँ का दूध पीकर बड़े बड़े ऑफिसर हो गए हैं, पता है क्या? नालायक बाबा एकदम कड़क, तभी से ये ब्रह्मचारियों की तरह शांत रहता। हाँ, है एकदम सही बोला। अगर इसने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया ना तो पूरे गाँव की गायें एक ही दिन में माँ बन जाएंगी, याद रखना। बाबा एकदम सत्य है। क्या है ये सब, ये गाय की फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? बाबा ये जूमी की गाय है, अपना सांड इस गाय को बहुत चाहता है बाबा। अच्छा फोटो देखकर ये लव करेगा, इंसान है क्या? अरे कभी कभी इसकी फोटो को चाटता है ना वो। जुम्मी के पीछे घूम घूम कर तू बिगड़ गया है, और इस सांड को भी बिगाड़ना चाहता है क्या? ये फोटो लेकर तू ही घूम। ए शंकर तुझे प्यार करना है क्या? एक रख के दूंगा, ला इधर फोटो। अब तू देख
मैं तेरी लवर का क्या करता हूँ? बाबा बाबा ए लगता है ये मर गया। देखो बाबा बस करो मटका उठाकर कौन फिरेगा? तो क्या होगा? ए, रुको, उनका बेटा जो है वही उठा सकता है। मुझे सब पता है, ये अजय कृष्णा का चाचा लगता है और डोकोमो का बाप लगता है। हा? ये कृष्णा का दादा गांव में गाय पालने के लिए आया, आकर मरने की उम्र में तो उसने इसे पैदा किया। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, वो कब की भाग गई? ये सब्सिडी है ना, कृष्णा का बड़ा भाई का बेटा है ये डोकोमो, रिश्ते में भतीजा लगता है सब्सिडी का। ए, रखो नीचे रखो। इसका मतलब मैं इसका भतीजा हूँ। मैं इसका भतीजा हूँ तो ये मेरा चाचा हुआ। इसका मतलब बेटे और पोते से पहले बाप पैदा हो गया। तुम्हारे गाय पालने वाले सारे खानदान की कुंडी है हमारे पास। बोल यही बात फिर से बोल। क्या कहा था तूने? कौन दादा, कौन परदादा, कौन बेटा, यही कहना। चल समझता क्या है? चल भाग, दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो सबको जलाकर राख कर दूंगा इसी चिता में, समझे? कहना क्या चाहते हो? मेरी सुहागरात के दिन खटिया के नीचे बैठकर सब कुछ बताना चाहते हो क्या? शांत हो जाओ। अब तुम बताओ क्या करना है। चलो दोनों में से एक आदमी मटका उठा लो और एक आदमी मुखाग्नि। तुम्हारे मंत्र पद्धर कुछ नहीं चाहिए, तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। हाँ अजय, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये क्या कर दिया तूने? बाबा के अंतिम यात्रा में आए लोगों को भगा दिया, ऐसा क्यों किया? ये लोग अगर बाबा की अंतिम क्रिया में शामिल होते तो इनकी आत्मा को शांति मिलती। मुझे लाश को नहीं जलाना है। मतलब? मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। क्या आइडिया? ये सांड के सींग मारने से नहीं मरा है, एक गरीब किसान ने आत्महत्या कर ली है। कानून की आंख में धूल झोंकने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं तैयार करवा दूंगा। हाँ, टीवी प्रोग्राम करेंगे, सभी बड़े लोगों को बैठाकर उनसे बात करेंगे, टीआरपी के लिए सब आएंगे। देखो 3 लाख रुपए मिलेंगे, आराम से डेयरी शुरू हो जाएगी। तुम बस हाँ बोलो। डेड बॉडी को लेकर अभी तालुका ऑफिस के सामने शिफ्ट कर देते हैं। बोल, ए तू गाड़ी लेकर आ जा, जा। अरे जो सच में फांसी लेते हैं सरकार उनको कुछ नहीं देती, हम तो झूठ बोल रहे हैं, हमें क्या देगी सरकार? तू ये क्या बोल रहा है? अरे भगवान से डर भाई, पैसे के लिए मैं अपने बाप को बेच दूं? क्या बोल रहा है तू? सुन, इन झूठ के पैसों से डेयरी खोल के क्या मिलेगा तुझे? इन पैसों से डेयरी खोल के हम कभी सुखी नहीं रह सकते। ये देख मेरे बाप को, माँ की कभी कमी महसूस होने नहीं दी, कभी नहीं। अपना पेट काट कर जिंदगी में मुझे खुश रखा, दूसरों को मार कर जियो ऐसा कभी नहीं सिखाया इन्होंने, कभी नहीं सिखाया। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं, मुझे माफ कर दो। ए तू जरा, इस डोकोमो का तो दिमाग सड़ गया है। किस्मत खुद चलकर आई है और ये उसे लात मार रहा है। तू तो हमारे खानदान का दीपक है, तू तो मेरी बात मानेगा ना? अरे आग बुझानी है, चलो चलो जल्दी बुझाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इसके पहले कि वो जल जाए। अरे मुझे बचाओ,
चलो चलो जल्दी लेकर चलो। अरे बाप रे, एक दो दिन ये पीठ की तरफ ना सोएं, इनका ध्यान रखना। सर उल्टा भी नहीं सो सकता, ये तो सांड ने मारा है आगे से। ओ ऐसा है क्या? कैसा लग रहा है अब? मुझे बहुत दर्द हो रहा है और तुम पूछ रहे हो कि कैसा लग रहा है? इधर इधर आना, अब तो कुछ बोलो। तूने बोला मर गया, देख उधर, अगर ज्यादा जल गया होता तो। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, वो कटिंग मैन बोला, उसने कहा मैं हूँ। बाल काटने वाला कुछ भी बोलेगा, तू मानेगा उसकी बात? तू, अरे अरे रुक तो, तुझे आईला तुझे क्या कर रहा है? अरे अरे शर्ट फाड़ दी, ए हट, अरे वहाँ देख, सेम टू सेम रंगनाथ स्वामी की तरह सोया है, हाथ जोड़ो, ऐसी बात क्यों कर रहा है? ए सब्सिडी तू इधर आ। हाँ मेरी चप्पल दे। अब तू चप्पल पहनकर एक या दो करने के लिए जा सकता है क्या? हम लोग हैं ना यहाँ, उठा कर ले जाएंगे, बोलो क्या करना है? हाथ में दे। अरे दे दो इसको। तू मेरे पास आ, आ जा। मैं नहीं आऊंगा। मेरे पास आ बेटा। नहीं नहीं भागो। बेचारे को तकलीफ हो रही है और मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और तू चप्पल से मारेगा मुझे? वो क्या है कि उनको गुस्सा है। आता तो बाहर ले जाओ, नहीं तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। क्या समझ रखा तुम लोगों ने? ये दवा खाना सरकारी है। बिल्कुल बरोबर। ये बोर्ड क्या मजाक करने के लिए लगाया है? इस बोर्ड को देखकर ही पेशेंट को लाए हैं। क्या करना है जल्दी करो, अगर तुमसे नहीं होता है तो बता दो, मैं हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा। बगा। हाँ देखो हम यहाँ भीख मांगने नहीं, इलाज करवाने आए हैं, देखो इन्हें। हाँ करो। सर चलिए सर, इन गाय पालने वालों से क्या बहस कर रहे हैं आप? चलिए किसी बात है तो, हम लोग इंसान नहीं है। समझ में नहीं आता कि वो हमें पाल रहे हैं कि हम इन्हें पाल रहे हैं। ना तो मुंह सही है और ना ही लोग सही है, हमको गाय पालने वाला बोलते हैं। तेरे जैसा ही कोई होगा जो अंडरवेयर पहन के लुंगी पहनना भूल गया। अरे अपने यहाँ से तो मुसीबत शुरू होती है, गाय पालने के लिए हमारा जन्म हुआ है तो गाय ही पालेंगे ना। हम तो पालेंगे लेकिन ये है ना। अबे क्या कर रहा है शंकर, इससे अपनी टीम से आउट करना होगा, ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। अबे क्या हुआ? ए अजय उसके अस्पताल से लौटने से पहले इसे यहाँ से भगाना होगा, भेज दो इसे कहीं ले जाकर, भेज दो। मैं भेज देता हूँ। हाँ अबे जो बोलेगा वही मानेगा। ए तू मुझे भी भेज दे, सारी गाय भेज दे, जो अपने हैं पराए सबको भेज दे, जा भेज दे। ए ए रुक रुक। अरे क्या कर रहा है? अरे तू समझता क्यों नहीं है? अरे ये सबको सींग मारकर सबकी जान ले सकता है, आज तेरा पिता कल दूसरा कोई, ये सबको मारता जाएगा। मेरी बात सोने से बेच दे, इसके बस सींग मजबूत हैं, बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स कमजोर हैं, इसे अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। अरे कुनी पकड़ा याला, अरे पकड़ो इसे। ए रुक, अरे पागल हो गया क्या? जमाइला ए, अरे थाम। अब ये कहां से आ गया? तू चल। ए गौरी, ए गौरी वापस आ, भाग मत। गौरी वापस आ, ये शर्म गरम है कि नहीं? तेरी तो छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ गौरी को कुछ हुआ ना तो, अरे तो इस पत्थर से मारूंगी। अरे क्या हुआ बताओगी? क्या हुआ जाकर खुद देख। छोड़, ए छोड़ मेरा हाथ, छोड़। दोनों साथ मिलकर देखे क्या? अरे सब लोग पैसा देके मोबाइल में देखते हैं, हमको फ्री में मिल रहा है और तू शर्म आ रही है। Thank you.
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इसे वस्त्र में लपेट कर रखिए। हाथ निकाल, पकड़ पकड़। इसे पकड़, उधर रख। सभी लोग गाय की तरफ देखकर हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बाहर जो खड़े हैं वो भी हाथ जोड़ो। अरे भाई आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या, उठो। हाँ हाँ जोड़ो। हाँ हाँ ऐसे ही। ए, देख क्या रहा। अब गाय के दाएं पैर से उस लोटे को लात मार कर अंदर ले आइए। उसको अंदर लाओ। खींचो। ए पागल हो गया क्या, उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है। गाय उसकी है ना, इसलिए उससे पूछ रहा हूँ। तुझे नहीं मिलने वाली है, किसी और को पटा ले। ए, उसको अंदर ले आओ, क्या डिस्कशन चल रहा है। पूजा के दिन ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा। पैर पैर अंदर ले आओ बेटा। हाँ हाँ हाँ, उठाओ उठाओ, चलो चलो। बहुत अच्छे, भूख लगी करो। सभी लोग गाय के ऊपर अक्षत डालिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। अब वो सूप इधर लाइए, मुझे दीजिए। चांदी के लोटे में गोमूत्र भरकर पूरे घर में छिड़किए और एक चम्मच खाने में भी डालिए। ये लो, जो बचा है उसे तुम पी लेना। दोनों पति पत्नी यहाँ आइए और ये प्रसाद गाय को खिलाइए। इति शुभमस्तु। मुझे दो मुझे दो मुझे दो। हाँ देखो, इसे पकड़कर अच्छी तरह दिल से चार घर बांधने। वो पंडित कुछ नहीं बोल रहा है तो तू क्यों बीच में ज्यादा बोल रहा है। चल निकल यहाँ से, चल निकल। कौन चिल्ला रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मैं सबको देख लूंगा। भाई टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर। लो पकड़ो पकड़ो। पंडित जी जल्दी मंत्र वंतर पूरे कीजिए, खाना खाने जाना है, जल्दी करो जल्दी। अरे दे 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 दे। ए, कौन है बे, गुदगुदी कौन कर रहा है। अरे अब क्या हुआ। अरे गुदगुदी कौन कर रहा है मुझे। अरे कौन है रे वहाँ। अरे 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 भागो, अरे भागो, आगे पीछे भागो, भागो, हटाओ उसे। अरे भाई ये तो खतरनाक शंकर है। आ जाओ आ जाओ, अच्छे बच्चे की तरह हमारे साथ चलो। भाई अंदर कैसे आया, कैसे अंदर, ये कौन लेकर आया इसे यहाँ। किसने किसने इसे छोड़ दिया। रस्सी खुल गई तो वो यहाँ आ गया, डोकोमो ने छोड़ दिया। अरे भाई इसे सब्सिडी नहीं पकड़ पाएगा, डोकोमो को आना पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए। भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरी बात कभी नहीं मानता। जल्दी डोकोमो को बुलाओ, डोकोमो को बुलाओ। अरे भाई उसने जानबूझकर छोड़ा होगा, मेरी गौरी यहाँ है ना, इसलिए निकालो इसे यहाँ से। तुम ही सही कर रही है, लाओ रस्सी लाओ लाओ लाओ। रुको 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 रुको, ये नंदी है, महादेव की सवारी, आपके घर में आया, ये शुभ है। पंडित इस सांड की वजह से मेरा बाप मरा है, पागल हो गया क्या तू। बात बंद कर अपनी। देवी और देवता दोनों तुम्हारे घर में पधारे हैं, इनका आना शिव पार्वती के जैसा है। कुछ भी मत बोल, चलो प्रसाद चढ़ाओ। इसको दो केला खिलाकर बाहर भेज दो, निकालो इसको बाहर। लात मारो। इसे ट्रेनिंग मिली है कि लेडीज को नहीं मारता है, एंटीना स्ट्रॉन्ग है इसका। आइए ना, आइए ना। अरे अरे रहने दो, तुम खिला दो। अरे मुझे क्यों खींच रही हो। अरे 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 देखो, खा रहा खा रहा खा रहा, खा लो जी भर के खा लो, छोड़ना मत बिल्कुल। चलो प्रसाद चढ़ाओ। हाँ खा लो खा लो। अरे निकाल, ऐसा कोई करता है क्या, पागल कहीं का। ए हट, यहाँ पर तू लव करने के लिए आया है क्या। आया क्या, अभी अभी ठीक करके लाया। देख निकला क्या, देख आया आया क्या, आ गया। अरे बाहर निकालेगा कि नहीं पूछ इससे। पूरा अंदर चला गया है भाई, बहुत सारी गुलाब की गोलियां खिलानी पड़ेंगी, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, जो भी होगा गोबर के साथ आएगा। शांत हो जाइए। मना कर रही थी कि प्रसाद तुम लोग खिला दो, इन्होंने कहा, इन सब ने कहा कि प्रसाद तुम खिला दो इसे। अब देख लिया ना क्या। आपको बड़ा दिल रख के कुछ सोचना पड़ेगा। भाभी शांत हो जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अपशकुन है। ये बताने की क्या जरूरत है, चलो चलो निकलो ऐसे, निकलो। बनाया अपशकुन वाला। स्वामी जी, स्वामी जी बताइए ना, मेरे पति जी एक ना, स्वामी जी बताइए। मेरे हाथ में क्या है बहन जी, मगर क्या है जल्दी बोलिए। किसी भी तरह इस सांड के पेट से वो मंगलसूत्र निकाल कर यदि सूर्य डूबने से पहले आपने उसे पहन लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना अपशकुन हो जाएगा, समझे यजमान। नहीं तो आपके पिता के साथ जो हुआ था आपके साथ भी हो सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। ये तेरे बस की बात नहीं है, सांड को छोड़ और निकल यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप, शंकर चुप रहो ना, हम बात कर रहे हैं। गाय पालने वालों की वजह से इस नए घर में भी हमें शांति नहीं मिल रही। हे भगवान, इन लोगों को गाँव से भगाने के लिए कहा था तुम्हें, फिर भी तुम नहीं माने, अब देख लिया ना क्या हो गया। अरे अब एक दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो, मेरा मंगलसूत्र निकालो। रुक। अरे यार, रुक।
अरे बेवकूफो, मेरी गाड़ी बिना पूछे लेके आ गए। तुम गधों को शक्ल है कि नहीं? अरे तुझे पता है ये किसकी गाड़ी है? हाथ जोड़ता हूँ भाई, ला मेरी चाबी। किसकी गाड़ी है ये? मेरी है। अरे पागल, पता है क्यों नहीं? थैंक्स यार, इसने कहा कि डॉक्टर की गाड़ी है। बाबा औषध गया, तबियत बरी हुई ला। सांड कहाँ है? वो बच्चे लेकर गए हैं घास खिलाने के लिए। बच्चों के साथ क्यों भेज दिया? अगर उसके नाक की रस्सी निकल गई ना तो अनर्थ हो जाएगा, समझ लेना। दोबारा वो हमारे हाथ नहीं आएगा। अरे कहीं नहीं जाएगा बाबा, वो कहीं भी जा सकता है नालायक। बुड्ढे की सटक गई है। एए! पहले उस सांड को लाकर मेरे हाथ में उसकी रस्सी दे। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मुझे ही क्यों मारा? मैं उससे पूछूंगा, लेकर आ। कैसे दही करूं ना का? लेके आता हूँ शाम तक उसे। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, अरे चुप रहो ना, हमेशा बोलता रहता है। हाँ डोकोमो, बोलो। हाँ यस टॉक। हाँ, सांड को बच्चे के हाथ में देकर क्यों भेजा था? क्यों, क्या हुआ? चेयरमैन के घर में गृह प्रवेश है और तुम्हारा सांड उसमें चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि। वो उधर आया है क्या? अरे मेरा बाबा मुझ पे भड़का हुआ है, पूछ रहा है कहाँ है कहाँ है, उसे जल्दी लेकर आ जाए यार। कैसे लेकर आ जाऊँ? मालकिन का मंगलसूत्र खा गया है शंकर, अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्या? क्या ऐसा क्या पता? सांड का पेट काटकर मंगलसूत्र निकालने के लिए उसे कहीं ले गए हैं। अभी उसे नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। उसे मारना तो बहुत दूर की बात है, उसे जरा भी तकलीफ हुई तो। मंगलसूत्र 10 मिनट में निकालता हूँ। हाँ। सांड मर जाएगा। ठीक है, चमड़ी देना साहब। तो क्या, हमको एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए? ये क्या बकवास कर रहा है? बोल रहा है 10 मिनट में मंगलसूत्र निकालूंगा। हाँ। पैसे नहीं लूंगा, चमड़ी लेकर जाऊंगा। बोल दे जो करना। स्टार्ट करो मियां। ए बच्चे लोग, लेके आ रहे। अरे तू है क्या? तेरा मंगलसूत्र निकाल के देता हूँ मैं। ए डोकोमो, तो कुछ नहीं जानता। तू निकल यहाँ से, नहीं तो तू बचेगा नहीं। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? तेरी माँ का मंगलसूत्र मैं निकालता हूँ ना, इधर आजा। अबे रुक रुक रुक, सांड को इस तरफ करके सांड के पिछवाड़े में नींबू के साथ हाथ डालना पड़ेगा और फिर निकल जाएगा। ए डोकोमो, मंगलसूत्र मुंह से निकालना है या पिछवाड़े से निकालना है ये पता मुझे। ए देख देख, तू सही नहीं कर रहा, छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़। पहले मेरे सांड को छोड़, सुन, छोड़ इसको, इसको कुछ मत कर, छोड़ छोड़, पीछे हट। ए डोकोमो, कर देना ना, कर दूंगा। ए पीछे, सब लोग पीछे जाओ। ए देख, पीछे आ जाओ, वरना इसे खतरा कर दूंगा। ए छोड़ इसको। ए ए क्या कर रहा है? छुड़ा रहे, छुड़ा काट इसका हाथ, काट का। काट दे।
ए शंकर, जो दिल बेजुबान जानवरों के पास होता है ना, वो उनके पास नहीं है। अरे तू यहाँ मत रह, वो सब मिलकर तुझे मार देंगे। अरे बचपन से हम साथ बड़े हुए हैं, देख मेरी बात को मना मत कर। ए सुन, चला जा यहाँ से। अरे मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तेरे लिए क्या करूँगा। अरे जा, निकल जा। ए बाबा कहते हैं तेरे नाक की रस्सी निकालूंगा तो तू कहीं चला जाएगा, तू कहीं भी जा सकता है। चला जा यहाँ से, दूर चला जा। अरे बाबा आइक ना, इकड़े इधर आ। अरे शंकर, शंकर आज तेरी रस्सी निकाले देता हूँ। चल चल चल, वाह वाह, ये ले फेंक दिया। चल जा। अरे जाना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जा यहाँ से, जा जा यहाँ से, जा 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 यहाँ से, जा जा जा। जखमो, हे ए नागरत्ना, सविता, गौड़ा, सौम्या, पारो, यस सर, पार्वती, मंजुला, सुष्मिता, परमिला, यस सर। सर ये क्या सर? कौन सा दिखा? जगदम्बा, जगदम्बा। हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। ऑन योर मार्क्स, हो जाओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक बार बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर। गेट रेडी, सेट रेडी, भागो। ए सुनो, हाँ? यहाँ आओ। नमस्ते सर। ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिली? ये मेरे पिताजी का है, वो गोपाल स्वामी नंदीगुड्डा। गोपाल स्वामी की बेटी हो तुम? हाँ सर, मैं रनिंग में फर्स्ट आई हूँ ना, मेरा सिलेक्शन होगा इसलिए वर्दी पहन कर आई हूँ। अपॉइंटमेंट से पहले वर्दी नहीं पहनते हैं बेटी। सॉरी सर। अपॉइंटमेंट लेटर कब देंगे सर? देंगे 5 लाख प्लस कमीशन 50,000, सब मिलाकर 5.5 लाख रुपया अरेंज कर लो। मैं गरीब हूँ सर, कहाँ से लाऊंगी? इसकी बात मत सुनिए सर, इसके बाप ने गांव में बहुत बड़ा खेत खरीदा है। वो बंजर जमीन है, कुछ कीजिए ना सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसा लेकर आओ और भर्ती हो जाओ। गो गो, मेरा नंबर लेकर जाओ। ओके मिस्टर डोकोमो, आवर रिसर्च फाइनली हैज कम टू एन एंड, वी फाउंड व्हाट वी हैव बीन सर्चिंग फॉर। Dickerson is not a potion community. Drug of the body is not mind is only. America, Zimbabwe, Jintata, Chitata, Dhagala Lagli Kada, Pani Thin Thin Gada. चुप रहना, हमें पता है अकेले तुम्हें इंग्लिश आती है। You continue. You sell me this bull. Shankar. You will get approximately 90 million rupees. What? Nine? Nine CR. Car? CR. Come here. Come here. Eh, देख. 9 1 0 1 0 10 0 1000 0 10000 0 1 lakh 0 crore 1 crore तक ले गई मैं। करोड़ रुपए, सच में करोड़ों रुपए। You take the money
Give me the bowl. You take the money. Give me the bowl. Give me the bowl. नौ करोड़ का मामला है ये। 9 करोड़ रुपया? चलो उठो। सच में? अरे तुम उठो तो सही। Happy birthday. Congratulations. Okay. Deal. Now, can we see the bowl? Hey, hold on. No. The problem. What? Chairman. Problem? वो जो है ना टेन हेड रावण, चेयरमैन की वाइफ का मंगलसूत्र, eating the bull, eat के पास मटन शॉप, they kill bull in Tamil. Is someone trying to kill the bull? हाँ, go please talk. But who? Cancel the murder. What? Hold on the murder. Where? Chairman house. Okay, I'll talk to him right now. Yes, go, fast going. नौ करोड़ रुपए, सांड भाग्य लक्ष्मी बन गया, हमारी बम्पर लॉटरी बन गया, 9 करोड़ मिलेंगे, बारात निकलेगी तेरी, बारात। अबे बस कर बे। अबे कब से तुझे समझा रहा हूँ, बस कर, तू रुक ही नहीं रहा है। क्या कहा, सांड को क्या हुआ? तुझे पता नहीं, मैंने शंकर को गांव के बाहर ले जाकर उसके नाक की रस्सी खोल दी है, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो तुम्हारे बाप के भी हाथ में नहीं आने वाला। अरे क्या कर रहा है तू भी ना? अबे काटिया, चप्पल पहन, उठ जल्दी उठ। सांड को जहां पर छोड़ा है वहीं आसपास ढूंढेंगे, वो जरूर मिलेगा। बस बहुत हो गया, हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, वो नहीं आ रहा मतलब कहीं दूर चला गया। ऐसे चिल्लाने से सांड अपने पास नहीं है, पूरे गांव को पता चल जाएगा। सांड को हमने छुपा के रखा है, ये हम बोलेंगे बाबा को, चेयरमैन को, सब लोगों को हम झंडू बम बना के रखेंगे, समझा? पॉइंट। हाँ जल्दी चल वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं फास्ट हूँ, तुम लेट हो, चलो आओ। कहाँ जा रहे हो, मरना है क्या? मरना है तो बाद में मरना, अभी चलो आओ जल्दी। चल तू चल।
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यहीं रुक, अभी तो तू गया। चेयरमैन को बुलाती हूँ मैं, वही तुझे ठीक करेंगे। ए, तू यहाँ क्या करेगी? चल। पता है मुझे बहुत प्यार का शौक चढ़ा है ना, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुझ पर प्यार का भूत चढ़ा है। अरे अरे, ये जो अंग्रेजी बोल रही हो किसको समझ में आएगी? बाइक लेकर जाओ और उस सब्सिडी को उठाकर लेकर आओ। जाओ, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया, 100 साल जीऊंगा। पहले से तुम्हारी गर्दन टूटी हुई है, अब ये सब करना जरूरी है क्या? जाकर गन लेके आ, जा गन लेके आ। अरे गन भाई, अरे मेरी बात तो सुनो। देखो मैं अभी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी गन लेके आ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या छोटे, क्यों लेकर आया इसे? मुझसे बात नहीं कर सकते? इन सबकी क्या जरूरत है? वो जो लड़की बैठी है ना, वो मेरे सांड को खरीदने के लिए आई है, बहुत पैसा देने वाली है वो। क्या हुआ इसे, ये सब क्यों बताया? चाहिए था क्या? मुंह बंद रखा अपना भाई। वो अबे इसको तो बाहर क्यों लेके आया? क्यों इसको अंदर लेके जा, अंदर लेके जा, अंदर जाओ, अंदर ले जाओ, अंदर जाकर रख दो। तुम्हारा बाप कह रहा है सुना नहीं क्या? ए, ऐसे क्या खड़ा है? इनकी हालत नहीं देख रहा है क्या? जा जाकर माफी मांग, जल्दी इलाज कर इनका। ए, नहीं, जल्दी पैर कर। नहीं, पैर नहीं, ए, पैर नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो चलो, नहीं पैर जा, हट जा भाई, बैठो यहां पर। ए, कहां बैठो, बैठो बैठो। अरे बैठ जा, अरे दर्द हो रहा है। ये कोई साथ नहीं है, इंसानों की तरह इलाज करो। ठीक हो गया? ठीक हो गए? अरे भाई कुछ नहीं, छोटी सी गैस थी। सुनो मैडम, टेंशन नो 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 नो, ऑल सेटिंग रिलेशंस, अभी सब हैप्पी हैप्पी। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मेंडो इज अ रेयरेस्ट पॉसिबल ब्रीड। मतलब ब्रेड? ब्रीड, अरे अनपढ़ लोग, ब्रीड का मतलब सांड का माँ बाप होगा, ठीक से पूछ लो इसे। ओ जुमी, कम कम कम, सिटिंग सिटिंग सिटिंग। हाँ हाँ, अरे इधर आ जा, बैठ जा बैठ जा। ऐसा नहीं है भाई, वो सांड। अरे ऐसा नहीं है, ये फॉरेन से आई है, ये कुछ बोल रही है, ये लोग उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। तू इस गांव में पढ़ी लिखी है, पूछ इसे क्या बोल रही है। पूछ पूछ, पूछना क्या बोल रही है? अरे पूछना पूछना, पूछ क्या बोल रही है। मिस्टर अशोक लीलैंड, ही इज अ जूमी, ही इज अ डोकोमो, लव स्टोरी दीवार फ्लॉप, ऑपरेशन डायमंड रिकॉर्ड फेल्यूर, रॉकेट इज डाउन। नो, यस्टरडे फेल, न्यू इंग्लिश पिक्चर इन द मॉर्निंग शो, है ना जूमी? ए तू चुपचाप हट यहां से। आई गो, आ जा आ जा। Hi. Hi. और तो गड़बड़ कर देगी। Tell I translate. Thank God you saved me. Nice meeting you. So, in Europe, this breed is called Mendo. यूरोप में डोकोमो के सांड को मेंडो बुलाते हैं। ऐसा क्या? It's the rarest possible breed. And please ask him not to kill the bull. वो बहुत कीमती है, उसे मारो मत, ऐसा कह रही है। और मेरा मंगलसूत्र इसका बाप बना कर देगा क्या? अभी चिल्लाती क्यों हो? पैसा आने दो, बड़े से बड़ा मंगलसूत्र बनाकर तुम्हारे गले में डाल देंगे हम। किसके साथ? मतलब चेयरमैन सब डालेंगे, फिर से एक बेटा हो जाएगा उन्हें। वैसे मुझे इंग्लिश आती है, माई इंग्लिश इज थोड़ा थोड़ा गुड। भाई ये लोग 10 सालों से बहुत से जानवरों का खून टेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ तो आरएनए डीएनए कुछ तो है भाई, वो खून इस सांड में है, ऐसा कह रही है। पैसा देगी क्या ये? पैसा? हाँ, और क्या? एक मिनट, इसको तो सब पता चल जाएगा यार। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 1820 में ये ब्रिटिश रानी है ना, ये मैसूर से इंग्लैंड में इस गांव के सांड को बोट में लेकर गई थी, और वहाँ जाने के बाद उस सांड से जो बच्चा पैदा हुआ, तो पता है वो गाय जो दूध देती है वो बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है। अरे अरे, ये बात है क्या? अब तो पता चल गया सबको। सच है सच है सच है, बचपन में मेरे बाबा गाय के खूंटे के साथ मुझे बांध के रखते थे और मैं उसका दूध पीते रहता था। सुबह से लेकर शाम तक मैं दूध पीता ही रहता था, सच कह रहा हूँ, बहुत टेस्टी लगता था। हाँ, तभी से इसके मुंह में बॉडी में 6 पैक आ गए हैं। अभी फॉरेन में सभी माँ को अपना दूध पिलाने में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए इस सांड को ले जाकर क्रॉस ब्रीडिंग हाँ, उसे यहाँ से ले जाकर एक बच्चा पैदा करवाना चाहती है। वो बच्चा बड़ा होकर दूध देगा तो 1 लीटर के 6 से 7 हजार मिलेंगे। अरे 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 कृष्णा, अगर तुम्हारा सांड फॉरेन में जाकर 2 बच्चा पैदा किया तो दूध के लिए वहाँ पर डैम बांधना पड़ेगा। इतने दिनों तक माँ का दूध ही अमृत है ऐसा कहते थे, अब तुम्हारे सांड के बच्चों का दूध ही अमृत होगा। फिर
दुनिया में जनता गलत नहीं है, गाय पालने वाला फुल बिजी, बीच महिमा जादू, जय काम धेनु, पराई जाति, खीर खिलाओ अभी, क्या है अब? अभी तो हाँ, पता है, अभी तो सांड के बारे में क्यों परेशान हो रहा है, अभी जो काम जरूरी है पहले वो करेंगे, जुमी, बिजनेस की बात करते हैं, पेपर, एग्रीमेंट, पानी, चापाकल, सबूत, अंगूठा लगा के एग्रीमेंट करूंगा मैं, हाँ मतलब कारपेट, बिजनेस, अरे वो कुछ नहीं लिखा है इसमें, तुम्हारा सांड मांग रही है, अगर दे दिया ना तो तुम्हारी फैमिली को हाँ आगे क्या हाँ 9 करोड़ रुपए देगी बोल रही है ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो जाओ यहाँ से अरे डकोमो जाकर अपने साड़ को लेकर आओ पूजा करते हैं उसकी हम उसे लाएंगे आप मंगलसूत्र निकालने के बहाने उसे काटेंगे मुझे सब पता है आप यही करने वाले हैं अरे हमने उसे छुपा कर रखा है हम उसे नहीं लाने वाले हाँ वो किसी को भी नहीं मिलेगा अरे 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 पागल हो गए हो क्या तुम दोनों कृष्णा 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 चलो कृष्णा अंदर चलकर बात करेंगे अंदर ले जाकर तुम मुझे पिस्तौल दिखाओगे कितनी गोलियां हैं पिस्तौल में मैं गोलियां चलाता हूं तुम गिन लेना 6 है कि नहीं मैं भी 6,000 रुपए में एक मशीन गन खरीदने वाला हूं तुम बाप बेटों में ताकत है तो सामना करना पिस्तौल अंदर रखने के लिए बोला था ना तेरे को अभी तक यहीं पर है पिस्तौल अंदर लेके जा कृष्णा अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो अरे इसने हम लोग को बोला ना कि हम सब एक ही हैं चलो बैठ कर बात करते हैं बैठ बाबा सेटिंग ना है आपका पीठ जला है ए चुप रह इसके साथ यहाँ बात नहीं करूंगा कल से मेरा ऑफिस शुरू होने वाला है बात करनी है तो वहीं आ जाना नहीं तो मैं अपने बेटे को एमएलए बनाऊंगा उसी से बात करना ऐसे महात्मा को हमने जलाने की कोशिश की अन्याय हो जाता अरे अरे छोड़ो क्या बोल रहा था उस दिन लोन नहीं देगा अभी मैं तेरे को लोन दूंगा चल चलो पकड़ के रखो इसको अरे मूंछ काट रहे कृष्णा क्या कर रही है क्या बोल रहा था मैं तुझे दिखाता हूँ ये लो खा लो 20 रुपए किलो का है देखो मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ मेरी बात मान लो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वैसे भी अकेला रह के बहुत कंटाल गया हूँ मैं चलो चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पे अबे ऐसे क्यों घूर रही है पैसा कमा फिर जाके शादी करूंगी यही बोला था ना चल खड़े हो जा मजाक नहीं कर रहा हूँ हमारे फैमिली के लोग शहर से बैंड बाजा बारात लेकर सब यहाँ आ रहे हैं आधे घंटे में शादी 1 घंटे में 2 बार सुहागरात
ऑफर क्लोज हो जाएगा जल्दी। नहीं कर सकती, मुझे कैंसर है। ए, एक लात मारूंगा ना तो गांव के बाहर जाके गिरेगी। पैसा नहीं था तो पैसा कमाओ बोल रही थी, पैसा आ गया है तो बोल रही है कि मुझे कैंसर है। वेड़ा समझते मारा तू? ये लड़कियों को सच्चे प्यार की कदर ही नहीं होती। हाँ वो सब मुझे नहीं पता, पहले हाथ हटा। अरे जोमी, ऐसी छोटी छोटी बातों से ही तो प्यार बढ़ता है ना। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, उस अंग्रेज से सीख कर आया है क्या? अरे रे, क्या बोल रही है? अरे वो गोरी चिट्टी लड़की क्या फालतू बात है। अरे जो तेरे में बात है वो किसी और में नहीं है, सच कह रहा हूँ। ऐसे तेरे कंधे पे हाथ रखना मेरा सपना था जोमी, मना मत करना। तू कितना भी डांट, चप्पल से मार या मार ही डाल मुझे, मगर तेरा प्यार मेरे दिल से नहीं जा सकता। अबे 9 करोड़ रुपया जिसके जेब में हो तो कुछ भी कर सकता है ना। मैं तुझे यहाँ मिलने आया हूँ और तू है कि जरा भी खुश नहीं है जूमी। तुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों खुश हूँ? तुमने सांड मुझे दिया है क्या? चाहिए तो ले लेना, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं ऐसा ही गरीबी में जानवरों को पालता रहूं? हाँ हाँ, चलो वो भी ठीक है, तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा। हम लोग बाइक पर बैठकर 18 गांव में उसे ढूंढ चुके हैं। अजय ने भी सारे तालुकों में ढूंढा है, कहीं भी सांड का कोई साउंड नहीं सुनाई दिया, पैर के निशान भी नहीं है और ना ही कोई एड्रेस मिला है। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल बात हो बताने के लिए तो बताओ। ऐसे ही गांव में घूम रहा था, सोचा कि अपने लव से मिलता चला जाओ। ए, क्या कहा? कहीं के चप्पल से मारूंगा। ठीक है ठीक है। हाँ जरा देख तो सही। हेलो, ए इधर ला। हेलो, लगता है कट गया, ये ले आज जल्दी साथ आ। अरे ये गाड़ी हमारी है क्या? ये हमारी है क्या? ये हमारे पास 9 करोड़ है, करोड़पति है हम ये गाड़ी उठाएंगे। चल चुपचाप, बड़ा आया गाड़ी उठाने वाला, गरीब कहीं का। जुमे जरूरी काम से जा रहा हूँ, सो जाना, सपने में आ जाऊंगा, ठीक है? कितना लंबा है? 120 घंटा, ऊपर से 3 इंच ज्यादा है। यहाँ से बैंक के चेयरमैन की जमीन खत्म हो गई। यहाँ से पहाड़ तक की लंबाई कितनी है? गिनना है तो गिनो, जगह किसी की भी हो मैं डबल रेट में खरीदूंगा। चेयरमैन ये जय खरीदने वाले हैं भाई। ए, वो बीच में कहाँ से आ गया? मैं आज ही एडवांस देता हूँ, जगह मेरी है, आज से मैं ही यहाँ का चेयरमैन हूँ। पटाखे फोड़ो, पटाखे फोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। ए, क्या है बे, कौन है रे ये? बताओ क्या, कौन है ये, बताओ क्या? अरे मेरे घर में आग लगेगी, तेरा बाप बुझाने आएगा क्या? मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा और फिर से नया गांव बसाऊंगा, समझा? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? तेरे से भी बड़ा घर बनवाऊंगा, उस तरफ चेयरमैन का ऑफिस रहेगा और उस तरफ डेयरी फार्म रहेगा, उसके पीछे हॉस्पिटल बनवाऊंगा, उसमें एक बड़ा सा मंदिर होगा जिसमें सोने की मूर्ति होगी, समझ गया ना? आज ही भूमि पूजन करवाऊंगा। तेरे घर को गाय बांधने के लिए खरीदूंगा, अपने बाप से पूछ ले, बेचेगा ना? ए कृष्णा, कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, पहले एक मोबाइल ले लो। हेड ऑफिस में बात कर लिया मैंने, फंक्शन फंक्शन वही सम्मान, तुम्हारे पूरे फैमिली को सम्मान। अरे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो गाड़ी में चलो, चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 बैठो। भाई आप भी आएंगे क्या? नहीं नहीं, आप यही ठीक है। भाई 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 भाई, मैं अभी आया, मैं अभी यूं गया और यूं आया। पापा उस मैनेजर को मैं काट दूंगा।
आप इस तरह बैठे हो, हुआ क्या है? अरे डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या कृष्णा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है? क्या उस चेयरमैन से चिपके रहते हो? ए क्या कर रहा है, हटना। आज यहाँ पर वो हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है इस गांव के लिए। होने वाले चेयरमैन कृष्णा और उनका बेटा डोकोमो कैंप राजू, ये नाम अनाउंस किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए आज का ये दिन इस गांव के इतिहास में एक तरह का नया ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। क्या कहा? गुरुवराइजेशन, गुरुवराइजेशन। उसके बारे में सिर्फ बात करनी है, जानना नहीं है, सब यही करते हैं, समझे? कंटिन्यू कंटिन्यू। और इस ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आज के दिन अपने गांव में अशोका लेलैंड के आने से शुरू हो चुकी है। उसके लिए इस गांव के लोग बहुत ही आभारी हैं। अब मैं डोकोमो फैमिली से कहूंगा कि वो दो शब्द कहें। गो गो गो, जा बात कर। वो मैं जानता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। मेरे सारे भाइयों और भाइयों के बहनों, ए, भारत 40 में ये नियम है, एसोसिएशन है। बोल क्या बोलू, कुछ तो बोल। हाँ, वो ये होने के बाद, वो होने के बाद आप अपनी मांगे हमें एक चिट्ठी में लिखकर दे दो, हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, ये हमारा वादा है। और जैसे ही हमें लोन मिलेगा हम गांव में डेयरी जरूर खोल देंगे। और आने वाले समय में बस करना, अरे बस करना, और कितना बोलेगा तू। हाँ कंटिन्यू। और अपने शरण शर्मा, हे इधर आना, अपने शरण शर्मा जी ने एक मुर्गा पकड़ा है जो 400 साल पुराना है, जो बहुत ही अच्छी नस्ल का है। इनका कहना है कि अशोक लेलैंड ने आपके सांड का जो रेट लगाया है, इसका भी रेट लगाया जाए। क्या कह रहे हैं आप लोग? कंटिन्यू। और ऐसे ही अपने मुरली बाबू, इधर इधर, मुरली बाबू 200 साल पुरानी बांसुरी लेकर के आए हैं। और इसी तरह से साम्र जाति का एक पुराना भैंस है, आपके सांड से भी पुराना, इनका कहना है कि इसकी भी कीमत लगाई जाए। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और अशोक लेलैंड से बात कर लीजिए। रुको रुको रुको, पहले उस पर डाल, फिर मैं बताता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। और वैसे ही अपने जगत बाबू, अरे जरा हटो, एक बहुत ही पुराना कटहल लेकर के आए हुए हैं। इसका छिलका खाने से गंजों के बाल निकल आते हैं, इनका कहना है। इनके पास 500 साल पुराना घंटा भी है और अपने साथ अपने कुल देवता को भी लेकर के आए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ की जात की बकरी भी लेकर आए हैं, साथ में मदार फूल का पेड़ और मालिश करने वाला तेल भी लेकर आए हैं, साथ में नींबू और 300 साल पुरानी छलनी, साइकिल रिम और मटका, ये सब कुछ उठा करके ये लोग लेकर आए हैं। अरे और कितना बोलेगा, आप चुप रहना। इनका कहना है कि ये सब पुराने जमाने का है और इन सब का भी आपको अच्छा रेट लगाना है, अगर आपको भावी एमएलए बनना है तो। क्या कहा, भावी एमएलए? चुपचाप रहे, डोकोमो को पागल समझा क्या? अशोका लीलैंड ने क्या भंगार की दुकान खोल के रखी हुई है यहाँ पे? चलो मान ली तुम्हारी बात, उसे साइकिल दिलवा दी तो इतनी सी चड्डी पहनकर गांव-गांव चिल्लाती फिरेगी, रद्दी पुराना सामान ले लो, यही चाहता क्या तू? सब्सिडी, मेरा भाषण अभी खत्म नहीं हुआ है, बीच में उंगली मत कर तू। अभी बकवास बंद कर अपनी। हम डेयरी के लिए तुम्हारे पास लोन मांगने के लिए आए तो तुमने अपना पिछोड़ा दिखा दिया और अब उस पर तेल लगाने के लिए आए हो। ए, पता है वो कैसे मारता है? पक 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 पक। क्या कर रहे हो ये? मैंने तुम्हें सम्मान दिलाया और तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे हो? बहुत बोल रहा है तू, हाँ बहुत उड़ रहा है तू। हाँ जो हमने बोल दिया वो बोल दिया। गांव वालों, जितना भी पैसा आएगा हम गांव के अच्छाई के लिए, भले के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा वादा है। अबे चुप कर भाई, राजनीति किसे दिखा रहा है? अभी तो ऐसा बोल रहा है, एक बार जीत गया ना तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा तो ही। ये अपने बात पे यकीन नहीं कर रहा है। ए, मैं मेरे सांड को गांव की सारी गायों से मिलाता हूँ, समझा तू? किस लिए? अच्छे के लिए। एक एक घर में 9-9 करोड़ का बच्चा पैदा होगा, भाव बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, गाँव का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। ए, हमारा सांड जहाँ जहाँ बच्चा पैदा करेगा वो बच्चा सिक्योरिटी के तौर पर रख के हमें लोन मिलेगा? अरे बोलना मिलेगा क्या? अरे हाँ या ना बोल, इतने बड़े फंक्शन में लोगों को बुलाकर सबको बेवकूफ बना रहा है यहाँ। नया शासक आएगा, नया चेयरमैन आएगा, उससे पूछो, हरे गाय से 9 करोड़ का बच्चा पैदा होगा, उसे गिरवी रख के लोन दे देना। हाँ दे दूंगा। और उसके बाद गांव के सारे किसान छोटे छोटे बछड़े लेकर आएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे सांड से ही पैदा हुआ है, तो मैं उनको लोन दे दूंगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? सरकार पीट डालेगी मुझे, समझा क्या? ए, ये क्यों आई है पता है? अरे तुम्हें पता नहीं है, गांव में कोई भी गाय गर्भवती होगी तो ये टेस्ट करके बता देगी, खून और गोबर का टेस्ट करके बता देगी कि होने वाला बछड़ा किस सांड से हुआ है। पहले उनसे तो पूछ लो, वो टेस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। अशोक लीलैंड, द बुल, शंकर, फुल मिक्स हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स, हमारा शंकर लोकल बीज डालेगा। मिक्स्ड लोगो, क्रॉस,
क्रॉस ब्रीडिंग इन ईयर नंदीकुट्टा। लोकल ब्रीडिंग चंबोगा जापान इंडिया जय महाराष्ट्र पॉसिबल। आर यू प्लानिंग टू ब्रीड मेंडो इन इंडिया? हाँ। नो। हाँ बोलिए। नो नो इट्स नॉट पॉसिबल। The global genetic does not permit breeding of Mendo anywhere else. The company will own the breed. You just have to sell the bull to us and forget about him. Fantastic! ए तू देख जरा। अरे इसे बोलते हैं ऑफिसर। तू आया खुद को बड़ा ऑफिसर समझने वाला। अरे पता है क्या बोल रही है ये? अरे लाइन लगा देगी बछड़ों की लाइन। आजा पूछ ले आजा। अबे पागल डोकोमो, तुम्हारे सांड को यहाँ से ले जाकर वहीं रखना चाहती है। उस सांड से फॉरेन गाय से बच्चा पैदा कराएगी ऐसा बोल रही है। हमारे गाय से बच्चा पैदा नहीं करेगी, इसीलिए वही मालिक है। हमारे यहाँ की गाय से उसे क्रॉस नहीं कराया जा सकता, समझे? ऐसा बोल रही है ये। ओह नो नो नो। क्या रे, बाहर के देश के बच्चे ही माता का दूध पिएंगे क्या? और हमारे देश के बच्चे मिट्टी फाकेंगे? ए, इसका पैसा नहीं चाहिए, इसका ऑफर भी नहीं चाहिए। हम नहीं देंगे अपना सांड, उसे सारे गांव के गाय से मिलाऊंगा और खुद डेयरी खोलूंगा। हम ही दूध बेचेंगे। इन लोगों को दूध चाहिए तो हमारे गांव में आकर पीकर जाए, उन्हें हमारी पावर दिखाते हैं। हाँ, भारत माता की जय। फिक्स मतलब फिक्स। सभी किसान भाई लोग अपने गायों को अपने अपने घरों के पास बांध कर रखें। मैं अपने सांड को लेकर हर घर में उसके गाय के पास जाऊंगा। गांव का भला होगा, गांव के लोग खुशहाल होंगे, सभी अमीर बन जाएंगे। हाँ भाइयों, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, बोलो। चलो। अरे सब्सिडी हमने सही किया ना? अरे हाँ बिल्कुल सही किया। अरे सब्सिडी हमारे पास सांड नहीं है, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाओ और सबको नमस्ते कर। ठीक है ठीक है, सही है सही है, हम तैयार हैं। हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, मैं हूँ। पहचान लिया, बोलो क्या है? सर 5.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी ना। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं। सॉरी सर, सॉरी सर। अगर मैं 5 लाख से ज्यादा दूंगी तो बड़े साहब से बोलकर मुझे इंस्पेक्टर बना देंगे। है, इंस्पेक्टर बनने के लिए दूसरा रेट है। पहले तुम एग्जाम दो, फिर तुम कांस्टेबल बन जाओ, बाकी का बाद में मैं देख लूंगा। हाँ सर, पीसी बनने के लिए 5.5 लाख रुपए दे दूंगी और इंस्पेक्टर के लिए 4.5 लाख एडवांस दे देती हूँ। टोटल 10 मैं बन जाऊंगी ना सर। ठीक है बेटी, तुम लेकर आओ। कब तक आओगी? बहुत जल्दी लाऊंगी सर। हाँ सर, हाँ सर। जूता पहनने से रोकना होगा, जूता पहनने के बाद फोर्स नहीं रोकेगा, जल्दी बताओ बाबा। क्या है? काय नहीं। क्या चल रहा है? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं पूरे गांव को मिलने जा रहा हूँ, अर्जेंट है। हाँ, 1 किलो मक्खन लेकर आना और गर्म पानी में डुबाकर सेकने के लिए टॉवल भी ले आना। आज मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा कि कृष्णा का पावर कितना बड़ा है। चलो अजय, दरवाजा बंद कर दे। ये सब क्या है? क्यों रोक रहा है मुझे? बोलना बाबा। बोल। सांड को छोड़ दिया बाबा, मुझे ऐसा लगा कि वो चेयरमैन जो है अपने सांड को मार देगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप गुस्सा करोगे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया बाबा। किस दिन छोड़ा? उस दिन जिस दिन सांड की डिमांड आई थी ना, उसी दिन हम सभी ने सब जगह पर ढूंढा था लेकिन वो नहीं मिला। सांड को छोड़ते वक्त उसकी रस्सी काट दी थी ना? बड़े भाई, अब वो मुझे नहीं मिलेगा, वो चला गया, अब वो नहीं मिलेगा कभी।
पिछली बार इस सांड का बाप चला गया था, मैंने 8 साल तक ढूंढा उसे, अब बेटा भी चला गया। बड़े प्यार से पाला था मैंने, तेरी तरह उसकी भी देखभाल की थी, खत्म हो गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं काहे का चेयरमैन और तू काहे का एमएलए, हम गाय को पालने वाले हैं, बस यही औकात है हमारी। हे भगवान, कृष्णा का वंश खत्म हो गया। कृष्णा भाई की जय। आ गए कृष्णा भाई। कृष्णा भाई, अपना दायां पैर रखकर यहाँ आए हो, तुम बहुत ही शुभ हो, तुम यहीं से ही अपनी शुरुआत करो ना। ऐसा नहीं हो सकता, दुकमो को सबसे पहले पैसा मैंने दिया है, उसे मेरे पास आना होगा, और कहीं नहीं जाएगा वो। हे भगवान, शिव बोले, अब मैं क्या करूं, कृष्णा मर गया, गांव के लोग भी मर गए। कृष्णा भाई क्या हुआ? हे कृष्णा भाई क्या हुआ? अरे कृष्णा भाई, तुम लोगों का चेयरमैन अपने 10 साल के चेयरमैन की कुर्सी को बचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके पिता की तरह आपकी भी मौत ना हो। अरे क्या करना है, जल्दी बोल। उस सांड को खत्म कर दीजिए, छोड़िए मत उसे। लेकिन उसको कैसे मारे, उसका इतना पैसा मिल रहा है। अरे आपसे बढ़कर है क्या, मेरे मंगलसूत्र से बढ़कर है वो सांड। हाँ भाई, फंक्शन के बहाने उस सांड को मैं चाह रहा था कि आपके हाथ में पहुंच जाए, लेकिन क्या करोगे, लोगों ने मुझे मार मार के भगा दिया। भाई उस सांड को मार दो कैसे भी करके। भाई चेयरमैन साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चेयरमैन साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे लेकर आओ उसको, लेकर आओ उसको, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। लाओ जल्दी लाओ, तुम्हारे लिए दाल खिचड़ी लाई हूं। डोकोमो, मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है, कर्जा दोगे क्या? 20 लाख रुपए सिर्फ, वापस दे दूंगी, नहीं दे पाई तो प्यार कर लूंगी। इसे प्यार नहीं कहते हैं, व्यापार कहते हैं। पैसा लेकर प्यार करने वाला कौन होता है पता है? वो सब मुझे नहीं पता, दे पाओगे या नहीं बोलो ना। मतलब तुम पैसे के लिए यहाँ आई हो, है ना? हाँ, प्यार करती हो इसलिए नहीं आई। वैसे पता है तुम्हारे बारे में, सही है, तुम पुलिस बन रही हो, ऐसे ही अगर पैसे कमाती रही ना, कमिश्नर जरूर बन जाओगी, बहुत बड़ा नाम होगा, ऊंचाई पे पहुंचोगी, बहुत दूर तक जाओगी। दोगे या नहीं ये बताओ। तुम निकलो यहाँ से, मैं गाँव छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा इस गाँव से कोई लेना देना नहीं, और हाँ तुम्हारा और मेरे बीच में जो भी, छोड़ो, जाने दो। ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? सांड तुम्हारे पास नहीं है पता है। क्या? भाग गया ना सांड? सबको भरोसा दिलाने के लिए हमने छुपा कर रखा है, ऐसा कह रहे थे ना? तेरा सांड मेरे पास है, मैंने छुपा कर रखा है। चेयरमैन की बीवी का मंगलसूत्र। देखो जुमे, इस गांव का भविष्य, मेरे बाबा की जिंदगी उस सांड के साथ जुड़ी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बता दो वो कहाँ है। 20 लाख रुपया दो, बता दूंगी। नहीं तो फॉरेन जाकर मैं उसे बेच दूंगी, 9 करोड़ मेरे हो जाएंगे। चलो बेचारा समझ कर 20 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लेंगे ऐसा सोचा था। बड़ा बोल बच्चन बन रहा है ना, पैसा देगा या वैसे ही गायों को पालता रहेगा, बता क्या करेगा। शाबाश जुमे, शाबाश। गाय पालने वाले से कैसे प्यार करोगे, यही कहा था ना तुमने। क्यों इतने साल से तुझसे प्यार कर रहा हूं मुझे समझ ही नहीं आया। Thank you.
सांड कहाँ है? मारेगा मुझे? डकोमो, hold on, hold on. What happened? What happened? Come, what happened? Stop, 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 stop. Stop. Hey, रुक जा, रुक जा, रुक जा. भागेगी? अरे रुक जा मेरी रानी. अगर माजी आई था. अरे ये, देख. इधर. अरे ये क्या? अरे इसने तो ठंडा दिया. अरे कहाँ लेके आ गए? ये तो शंकर की आवाज़ है, यही कहीं होगा. भाई क्या है? क्या आवाज़ है? ये यहाँ कैसे? अब इससे क्या पूछ रहा हूँ मैं? ए, 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 एक लड़की को भी ठीक से नहीं बांध पाया तू, अब उसे हटाकर सांड को लेकर आ जा. ए, मैं मर जाऊंगी. ए, ए, जुमी देख हटा उसे. मैं मरी तो तुम सब जेल जाओगे. पीछे हटो. तुझे क्या चाहिए? 20 लाख चाहिए ना? ए, तभी मान लिया होता तो मैं छोड़ देती. अब नहीं होगा. अब क्या हुआ तुम्हें? क्या चाहिए? तुम्हें जो भी मिलेगा उसमें से 75% मुझे दो. 75%? 1, 2, 3, 4 भी नहीं, 6 करोड़? ये कहाँ का न्याय है? गला काट दे इसका, गला काट दे इसका. जान से मार देंगे इसे. लोन ज्यादा हुआ तो सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी. लॉ करने से ऐसा ही होता है. अब देख ये क्या कर रही है. पर मैं नहीं सहूंगा, देख लेना. शंकर, अब देख क्या रहा है. ऐसे ऐसे क्या देख रहा है? 25% हमें देगी, बाकी सब इसका गला काट लेगी. उसने क्या सांड को पाला है? सांड किसका है? हमारा है, हमारा. बोलना किसका सांड है? वो अब अपना नहीं है. जुमी का है. अगर वो उसे नहीं छुपाती तो वो तो चला जाता ना. एक बार शंकर को दिखा दो बस, मैं चला जाऊंगा. ए, पीछे हट, पीछे हट. बोल रही हूँ ना, पीछे हट. रुक जा, रुक जा. इसने पैसे के लिए सांड को छुपा कर रखा है. कोई समाज सेवा नहीं कर रही है ये. जुमी, नहीं नहीं नहीं, बैठ कर बात करते हैं, बैठ कर बात करते हैं. ये मौत का खेल नहीं खेलना है हमें. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. एक काम करो, तुम दोनों शादी कर लो, पूरा पैसा तुम्हें मिलेगा. हमें बस थोड़ी सी चिल्लर दे देना, 200 के हिसाब से. मेरा शादी का रिश्ता टूट गया है. मेरी बीवी मायके में रहती है. बीवी के दूर रहने से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है. मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो. तुम लड़की हो, तुम फैसला करो. इसी में सबकी भलाई है. हाँ, कोई भी औरत तुम जैसों के साथ कभी नहीं रह पाएगी, समझे? कोई औरत है क्या तुम्हारे घर में? बच्चा पैदा करके तुम कहीं चले गए तो हमारा क्या होगा, बताओ? सुनो, शादी वादी की कोई बात यहाँ नहीं होगी. 50-50, आधा उसे आधा मुझे. होगा क्या? पूछो से. ए, ये ऐसे नहीं मानने वाली है. लात मारो. ए, मारो. ये तुमने क्या किया? तूने मुझ पर हाथ उठाया? जुमे, मेरी बात तो सुन. तू बस खुश रहना. उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए. जुमी, मिलने वाला सारा पैसा तुम ही रखो, पूरा 100% तुम्हारा. शंकर भी तुम ही ले लो, बस उसे 2 वक्त का खाना देना. मारना मत उसे. हाँ, ये कैसा डिसीजन है? कैसा सेटलमेंट है ये? बाप को क्या जवाब देगा तू? बाबा को तो मैं संभाल लूंगा. कहूंगा कि शंकर मिला ही नहीं. जुमी सच कहती है, पैसे आने के बाद भी हम लोग नहीं बदल सकते यार. वो सही कह रही है. बदल गए तो इंसान बन जाएंगे हम, तो फिर गायों को कौन चराएगा यार? अरे काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना. कल उठ के कोई नाटक मत करना. उस अशोका लेलैंड से कहो तुमने अपना सांड मुझे बेच दिया है. जुमी, ए!
सांड जुमी आई नो ओनर जुमी व्हाट व्हाट ए अशोका ही सॉल्ड दैट बुल टू मी डिड ही सेल द बुल टू यू यस यस कंफर्म इज इट पर व्हाई बेवकूफ लोगों की वजह से ऐसे समय में ये गार्ड है गार्ड गार्ड है लव मैं उससे प्यार करता हूँ उससे शादी भी करना चाहता हूँ पर यू आर अ ग्रेट मैन गॉड ब्लेस यू ठीक है जो भी शंकर शंकर चलता हूँ चलो ए अशोका कम लेट्स टॉक बिजनेस ए ए शंकर शंकर रुक जा थाम रुक जाओ रुक रुक ए रुक जाओ रुक ए रुक जाओ शंकर रुक शंकर भाई सुन मारने से मना कर नीचे गिरेगी तो हड्डी भी नहीं मिलेगी ऊपर आ ए तेरा हाथ नहीं चाहिए मुझे पता है कैसे ऊपर आना है दस परसेंट दे दूंगी बचाओ मुझे बचाओ नहीं सभी को प्यार के मोती हर किस्मत वालों के जल प्यार की ज्योति सबके मन की पीड़ा वो हरता रब सुनता कृष्णा सांड कहां पर है तू बताएगा या फिर हम मिट्टी डाल दें ए, हम गाय पालने वाले हैं मैं तो कब का मर चुका हूँ तू मुझ पर क्या मिट्टी डालेगा मेरा सांड चला गया मैं तो मर गया तू इस गरीब पर मिट्टी डालेगा मैं खुद ही मिट्टी डालता हूँ ये ले ए, 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 ड्रामा कर रहा है डालो इसमें मिट्टी डालो मिट्टी डालो मिलते नहीं सभी को प्यार के मोती डालो मिट्टी हर किस्मत वालों के जल प्यार की ज्योति सबके मन की पीड़ा वो हरता
रब सुनता रब सुनता। खेलो, नाक की रस्सी बांध दी है, अब ये तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जानवर हो या इंसान हो, उसे प्यार चाहिए, व्यापार नहीं। ए, जान बचाई इसलिए 10% नहीं दे सकती हूँ, चाहे तो शादी कर लेती हूँ। बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हो? पैसा चाहिए या मैं चाहिए? ये पैसा वैसा मेरे समझ में नहीं आता तुम्हें, मैं थोड़ा पागल हूँ, तुम मेरे साथ नहीं जी पाओगे, मैं तो जानवर हूँ, मेरी बात मानो, अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो तुम, चार दाने चावल के मैं भी तुम्हारे सर पे डाल दूंगा। और वैसे भी गाय पालने वाले के साथ रहना बहुत मुश्किल है जुमे, के साथ जहां जाना चाहते हो चले जाओ, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूं। जाओ, यहां मत रुको, जाओ जाओ यहां से, जाओ जाओ। मुझे वो सांड नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तू चाहिए। ऐसी गाय 1000 मिलेगी, पैसे करोड़ों मिलेंगे, तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, मुझे तू चाहिए। मैं पैसा पैसा करने लगी थी, गरीब हूँ, गरीबी में सोचना पड़ा, गलती हो गई। डोकोमो, हाँ बोल दो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ठीक है, जाने दो, मुझसे शादी नहीं करोगे तो चलेगा, मगर मैं पैसों के लिए जीतू ऐसा कभी मत सोचना, तुमने बहुत सिखाया है, जीऊंगी तुम्हारी तरह, गाय को पाल कर जीऊंगी, चलती हूँ। सांड कहां पर है बता दे। चुपचाप मिट्टी डाल रहे कमीने। डालो मिट्टी, इसके मुंह में मिट्टी डालो, डालो। सांड आ गया, मेरा शंकर आ गया। निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको, निकालो। शंकर, शंकर आ गया, सांड आ गया। उठाओ, उठाओ, आ गया शंकर, उठाओ। हाँ,
शंकर, शंकर, आजा आजा, शंकर आजा, ओवा ओवा, आजा आजा, शंकर। मेरे शंकर को उन लोगों ने घेर लिया है। कोई मेरे शंकर को बचाओ, मेरे शंकर को बचाओ, वो लोग मेरे शंकर को मार डालेंगे। कोई तो मेरी बात सुनो। अरे कोई मेरी बात सुनो रे। भाग 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 भाग
क्या कर रहा है तू? ए डोकोमो छोड़, ध्यान से देख। नहीं डोकोमो उस बेजुबान को मारना चाहता है ना तू? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? तुमचा आहे, घ्या। सेव दिस अँड हेल्प युअर पीपल। मेरा तुम्हारा कब आएगा?